हम लोग अभी आए हैं नड़ियाद, रील वेरे सोडा मशीन कंपनी से मशीन दिया, उसको कितना वक्त हुआ? करीब 6 महीने। 6 महीने होगा। कॉस्टिंग निकाला आपको कितने में पड़ता है ये? 580 समथिंग आपको कंप्लीट पड़ जाता जी। है। और आप दिन भर में कितना प्रोडक्शन कर लेते हो उसमें? 150 पेटी के करीब। कमरे का साइज क्या होगा? 19x10। 19x10 का कमरा है ये, 19x10 का। उसमें CO2 सिलेंडर मशीन, वेब सीलर, लेबलिंग मशीन, प्लस फ्लेवर का यहाँ पर स्टॉक, ये छोटा सा यहाँ पर किचन एरिया। कस्टमर का रिव्यू है, टेस्ट में बिल्कुल क्वालिटी है, दावत की तरफ से बिट मार रहे पूरी तरह। कंपनी में कस्टमर केयर में कॉल किया, फोन पे ही बता दिया, फोन पे काम क्लियर हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई? कुछ भी नहीं। कंपनी के जो लोग आए थे वो कितने दिन यहाँ पर रहे थे? करीब 3 से 4 घंटे। रिलेशन बना हुआ है, उसके हिसाब से कंपनी को पूरा 10 में से 10 दे रहे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अल्तमाश और मैं रियल दुरे सोडा मशीन कंपनी की ओर से और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज अलहमदुल्ला एक कस्टमर का रिव्यू लेकर के आया हूं मैं। आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि मैं इसके अंदर आपको स्पेस भी बताऊंगा, कितने स्पेस में काम हो रहा है, कितना अच्छा काम इतनी छोटी जगह के अंदर कर रहे हैं। मैं आपको ये पूरा बताऊंगा, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। हम लोग अभी आए हैं नड़ियाद। नड़ियाद के पास यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब है, आप देखिए यहाँ पर ये स्पोर्ट्स क्लब है, आप ये देख सकते हो पूरा। और इसके सामने ही यहाँ पर एक पार्लर है जहाँ पर ये मशीन लगा है। यहाँ पर ये पार्लर पर मशीन लगा है, ये FR मेमन, आप देखिए यहाँ पर ये पार्लर है। और ये पार्लर के पास ही इन्होंने उनका छोटा सा एक कमरा है जिसमें बॉटलिंग प्लांट हमारा लगा है, रील ब्रेड सोडा मशीन कंपनी का। हम इनके पास यहाँ पर रिव्यू लेने के लिए आए हैं। इनके खुद की शॉप में भी ये सेल करते हैं और मार्केट में भी बहुत जगह पर सेल करते हैं। हम इनसे पूछेंगे इनका मशीन लिया कितना वक्त हो गया, काम कैसा चल रहा है और कितनी छोटी जगह में कर रहे हैं, सारा कुछ पूछेंगे। कि सारी मशीन नहीं लगा है हमारा, सिर्फ यहाँ पर लेबलिंग मशीन भी है हमारा और वेब सीलर मशीन भी हमारा लगा है यहाँ पर। तो आइए हम जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो सर? सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन साहब, अमीन साहब हम अभी कहाँ पर है जी? हम नड़ियाद सिटी के अंदर, गुजरात। नड़ियाद सिटी गुजरात। और ये एरिया कौन सा बोलते हैं? क्योंकि सामने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स सिटी है। अच्छा, स्पोर्ट्स सिटी है। हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, और मरीडा भागल का एरिया है ये। क्या बात है, नियर केयर हॉस्पिटल के पास पूरा एड्रेस अपना आता है। ये यहाँ पर मशीन लगा हुआ है। सर आपने रील ब्रेड सोडा मशीन कंपनी से मशीन दिया, उसको कितना वक्त हुआ? करीब 6 महीने। 6 महीने हो गए और मशीन आप 6 महीने से ऑपरेट कर रहे हो? मशीन चालू कब? नहीं, अभी चालू, अभी फिलहाल 2 महीने से हुआ है। अच्छा, 2 महीने से उस प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा टाइम निकल गया था। अच्छा, तो 2 महीने हो गए आपको काम चालू किए हुए। आपने बहुत ही छोटी जगह के अंदर बहुत अच्छा सेटअप किया, कैसा लग रहा है आपको काम? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजा आ रहा है। रील ब्रेड सोडा मशीन कंपनी से आप जुड़े, तो आपको रील ब्रेड सोडा मशीन कंपनी ने कैसा गाइड किया? बहुत बेहतरीन तरीके से, पूरा फैमिली, कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा सर, आपने ये मशीन लेबलिंग मशीन लिया, लेबलिंग मशीन ऑपरेटिंग फर्स्ट डे से ही कर रहे हो या उसके बाद चालू किया था आपने? जब मशीन आया उसके टाइम से ही चालू किया था आपने इसको, इसको बाद में ऑपरेट? नहीं, बाद में ऑपरेट करना शुरू किया, यानी प्रोडक्शन के साथ में फर्स्ट डे से उसका हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो आसानी रहती है इसको लगाने? बिल्कुल। ये हमारा लेबलिंग मशीन है, बताइए पूरा पूरा ये, इसके अंदर डेल्टा कंपनी का सिस्टम लगा हुआ है। अच्छी जगह में आप देख सकते हो, बहुत छोटी जगह के अंदर बहुत अच्छा सेटअप किया है। सर से हम पूछेंगे, सर कितना फ्लेवर आप बनाते हैं? अभी फिलहाल 4 फ्लेवर है। 4 फ्लेवर बनाते हो? ये 4 फ्लेवर यहाँ मार्केट में, लोकल मार्केट में सेल जी, लोकल मार्केट में यहाँ पर ही हो जाता है। हाँ। कितने में सेल हो जाता है सर एक पेटी आपका? अभी फिलहाल होलसेल के अंदर 170 के अंदर चला रहे हम लोग, और रिटेल में 190। कितना पीस होता है? 24 पीस होता है, माशाल्लाह। चलो बहुत अच्छे सर की कंपनी है यहाँ पर। ये ऑरेंज, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये बाबा ऑरेंज के नाम से प्रोडक्ट बनाया है और बहुत अच्छा स्टिकर बनाया ये। और यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारा ऑरेंज का स्टॉक है यहाँ पर, आप देखिए ये ऑरेंज का स्टॉक है यहाँ पर, ये दूसरी फ्लेवर का स्टॉक है, ये ग्रीन अप करके, देखो ये नाम इन्होंने अलग दे दिया, मुझे बहुत खुशी हुई है। 7 अप टाइप का फ्लेवर ये, मगर ग्रीन अप नाम दे दिया, कुछ अलग डिफरेंट कर दिया। ये इनका जीरा है, 10 रुपये इसका MRP है। 200 ml है ना सर ये? हाँ, 200 ml का बोतल है। देखिए यहाँ पर ये पूरा बंच पैकिंग भी कर दिया, ये पूरा ये मशीन के अंदर पैकिंग हुआ है, ये वाले मशीन के अंदर। ये रील ब्रेड सोडा मशीन कंपनी का ही मशीन है ये, यहाँ पर से पैक हुआ है पूरा, फ्लेवर भी यही बनाते हैं। आइए अब मैं आपको मशीन और वहाँ पर जीरा का स्टॉक पड़ा ही दिखाऊँ। देखिए ये जीरा का स्टॉक है यहाँ पर, ये सारा ये देखिए यहाँ पर, ये माशाल्लाह जीरा यहाँ पर स्टॉक में भी है, यहाँ पर भी स्टॉक है जीरा का। अच्छा, 4+4+4 जंबो प्रीमियम प्लस आपने मशीन हमसे लिया है। मशीन ऑपरेट करने में कैसा है सर? बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने ये बोतल का कॉस्टिंग निकाला, आपको कितने में पड़ता है ये बोतल? 580 समथिंग आपको कंप्लीट पड़ जाता जी है। और आप दिन भर में कितना प्रोडक्शन कर लेते हो इसमें? 150 पेटी के करीब। 150 पेटी के करीब हो जाता है आसानी से, दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आपके कमरे का साइज क्या होगा? 19x10। 19x10 का कमरा है ये, 19x10 का। उसमें CO2 सिलेंडर मशीन, वेब सीलर, लेबलिंग मशीन, प्लस फ्लेवर का यहाँ पर स्टॉक, ये छोटा सा यहाँ पर किचन एरिया। सर किचन एरिया कितने बाई कितने का होगा? किचन 4x4 का। 4x4 का किचन एरिया है जहाँ पर इन्होंने फ्लेवर भी बनाते हैं। और ये पूरा बहुत ही अच्छा छोटा सा सेटअप किया इन्होंने,
आप यकीन मानें मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने आपको बाहर भी ये बात बताई कि ये वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको स्पेस वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो आप जो क्वेश्चन करते हो सारा खत्म हो जाएगा। ये यहाँ पर आप इतनी छोटी जगह में काम करते हो, तकलीफ तो नहीं होती? बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये रोजाना प्रोडक्ट जो बनता है रोजाना सेल हो जाता है? जी हाँ, रोज के रोज निकल जाता है। अभी बंद क्यों है काम? ईद की 2 दिन की छुट्टियां थी उसकी वजह से आज बंद रखा। मैं भी इसीलिए आया हूँ, ईद की छुट्टी है तकरीबन अहमदाबाद से 60 किलोमीटर है ना, मैं इसीलिए आज आ गया कि ईद परसों गई है और आज तीसरा दिन है, सैटरडे है ना सर, तो आज सैटरडे था तो मैंने इनसे फोन पे बात की और आ गया मैं। ये प्रोडक्ट इन्होंने बना के रखा था, ईद की वजह से काम बंद है। सर आप अपने खुद के पार्लर पर ये प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपको कस्टमर का रिव्यू कैसा मिला? जो प्रोडक्ट पीते हैं यहाँ पर आपके सामने पियेंगे तो सीधी बात आपको 100% जेन्यून रिव्यू मिलेगा, तो आपको कैसा कस्टमर का रिव्यू मिला? कस्टमर का रिव्यू है टेस्ट में बिल्कुल क्वालिटी है, दावत की तरफ से बिट मार रहे पूरी तरह से। अच्छा, क्या बात। 19-20 के कंपैरिजन में आके खड़े हुए, किसी भी किस्म की कोई ये नहीं, जबकि वो छोटी बॉटल रहती है बड़ी बॉटल है, टेस्ट के हिसाब से भी पूरी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, आपने जो ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचने वालों को दिया उनका क्या रिव्यू? उनको भी वही सेम चीज रिस्पॉन्स मिला हुआ है। स्टार्टिंग में रेट को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, लेकिन जो एक बार रखा उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलो बहुत अच्छे, क्योंकि जब प्रोडक्ट अच्छी होती है तो मार्केट में से ऑर्डर जरूर रिपीट आता है ना, सही बात है ना। अच्छा सर, सोडा स्ट्रॉन्ग बनता है इसमें जो हम दावा करते हैं? तो हम लोग जो दावे करते हैं कि भाई हमारी मशीन में स्ट्रॉन्ग सोडा मिलती है, क्या हकीकत में होता है? अच्छा, सिरप का एक्यूरेसी वगैरह कैसा है? बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपने ये सेटअप लगाया, आपको क्या लगता है कि आप 6-8 महीने में और ग्रोथ कर लोगे इंशाल्लाह? 4-6 महीने इंशाल्लाह, क्योंकि अभी जो आपको लग रहा है आपने जो अभी मार्केट सर्वे किया इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह जरूर, अल्लाह पाक आपको खूब बरकत दे, तरक्की दे। सर, रियल ब्रो छोटा मशीन कंपनी से आपने मशीन लिया था, आज 2 महीने हो गए चालू किए, आपको कभी कोई कंप्लेन आई? कभी कोई फोन किया हो आपने कंपनी में तो कंपनी से रिस्पॉन्स कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी कभी नहीं। अच्छा, कभी कंप्लेन आई नहीं है? आई थी बीच में 1-2 बार, लेकिन कंपनी में कस्टमर केयर में कॉल किया, फोन पे ही बता दिया, फोन पे काम क्लियर हो गया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई? कुछ भी नहीं। अच्छा, मशीन ऑपरेट करने में कैसा, इजी या हार्ड? बिल्कुल इजी है। अच्छा, कौन कौन मशीन ऑपरेट करता है ये? हमारे दो। अच्छा, आप कुछ बाइट लोगे छोटा सा? चलो वहीं आ जाता हूँ। ये मैडम जो है मशीन ऑपरेट करते हैं, क्या नाम है मैम आपका? करिश्मा। मैम आप मशीन ऑपरेट करते हो, कैसा है मशीन ऑपरेट करने में, इजी या हार्ड? इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आप खुद ही अकेले प्रोडक्शन कर लेते हो? हाँ। आपके साथ और भी कोई होता है? नहीं, हम 4 लोग हैं। अच्छा। अलग अलग हम सब का काम। अच्छा। है हम सब। तो ये लेबलिंग मशीन है, इसको ऑपरेट करना है या ये मशीन है ऑपरेट करना, कोई हार्ड और ऐसा कोई बहुत कुछ? हार्ड नहीं है। हार्ड नहीं है ना, आप भी ऑपरेट कर लेते हो मशीन में? जी। अच्छा, आपसे भी हो जाता है? जी हाँ, हो जाता है। कैपिंग वगैरह सारा कर लेते हो आप? सब कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं इसके लिए कुछ पढ़ाई करनी पड़े या कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े, ऐसा कुछ तो नहीं? आपने किया, कंपनी के लोग आए थे? नहीं, हम नहीं करते अपनी तरफ, क्योंकि मैं देखो ट्रेनिंग का अल्फाज आया, कंपनी के जो लोग आए थे वो कितने दिन यहाँ पर रहे थे? करीब 3-4 घंटे। 3-4 घंटे में पूरा सेटअप हो गया? जी। यही बात बोल रहा हूँ कि इसको चलाना बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। 3-4 घंटे में कंपनी ने इसको इंस्टॉल कर दिया, ये खुद सीख गए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ये तो फौरन सीख गए, और इसके बाद इन्होंने इनको सिखा दिया, सही बोल रहा हूँ जी? फिर ये हो गया कंप्लीट, कोई हार्ड काम नहीं है, इजी टू ऑपरेट मशीन है बिल्कुल, और आसानी के साथ काम कर सकते हो। और जगह की बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये 10x14 19 है ना, 10x19 फीट का ये 10 फीट बाय ये 10 है और ये 19 फीट है। इसमें पूरा यहाँ पर ये देखिए स्ट्रिंग मशीन भी लगा दिया, लेबलिंग भी लगा, यहाँ पर ये भी लगा दिया। सर आरओ वगैरह कहाँ लगा आपका? ऊपर टेरेस। आरओ प्लांट भी लगाया आपने, कितने लीटर का है सर? आरओ प्लांट मेरा पहले का था 500 लीटर का। अच्छा, 500 लीटर का आरओ प्लांट ऊपर टेरेस पे लगा, वहाँ से पानी यहाँ आ जाता है और यहाँ से ये मशीन ले लेता है, यहाँ से उसको कनेक्शन लिया, कनेक्शन में ये टैंक के अंदर पूरा सप्लाई। क्या बात है, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हाइजीन बहुत मेंटेन किया है, साफ सफाई बहुत अच्छा है, यानी मेरा खुद का दिल नहीं हुआ कि मैं शूज पहन के अंदर आऊँ, जब फर्स्ट टाइम मैं अंदर आया तो मैंने बाहर ही उतारे क्योंकि बहुत साफ सुथरा था। तो जब मशीनरीज पूरी होती है तो ये भी पॉसिबल होता है, बाकी छोटी जगह के अंदर बड़ी तकलीफ होती है सफाई करने में, ठीक है? तो बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया है, मैं इनको बहुत, मुझे वाकई मुबारकबाद देता हूँ मैं इनको कि इन्होंने बहुत अच्छा सफाई रखी है। तो अगर आप भी नड़ियाद के आसपास हो तो आप सर का प्रोडक्ट लीजिए, बहुत अच्छा टेस्टी भी बनाया इन्होंने, फ्लेवर हमारी कंपनी का ही रियल से ही ले रहे, सारा फ्लेवर रियल सारा है जी, और भी कुछ है पूरा रियल। टोटल 4 फ्लेवर बनाते हो जी? चारों सारा रियल सारा। अच्छा, ये लेबलिंग वगैरह आपने इसका ऑटोमेटिक जो रोल बनाया, ये कितने में आपको लेबल पड़ा है? ये करीब 75 पैसा। 75 पैसे में एक लेबल पड़ा है, क्योंकि साइज आपका बहुत बड़ा है जी, तो ये आसानी से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टाफ लगता ही नहीं होगा आपको? नहीं। अच्छा, ये 4 लोग मिलकर ही पूरी कंपनी संभाल लेते हो? पूरा संभाल लेते हैं। आप यहाँ पार्लर पर देते हो और बैठते हो? और दूसरा भी काम है उसके अंदर मैं लगा हुआ रहता हूँ, सुबह में इनको स्टार्टअप करके बता दिया कि ये चीज करनी है, वो उनके हिसाब से करते रहते। पूरा लेबलिंग आप मेंटेन कर लेते हो यार, मुझे बहुत खुशी हुई यार हकीकत में, क्योंकि मतलब थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है इसमें। कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है कि सेंसर जो है यहाँ पर, ये कभी हिल जाए, मैं आपको बताऊँ, ये सेंसर जो हिल जाए तो बॉटल में कभी ऊपर कभी नीचे जाएगा स्टिकर, ऐसा हो सकता है। मगर मैंने बहुत अच्छे से इसको देखा,
कि बहुत प्यारा इन्होंने स्टिकर लगाया, यानी ये मेंटेन कर लेते, अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई, बहुत अच्छा भी बहुत लगा। खैर अल्लाह पाक आपको बहुत बरकत दे, तरक्की दे। सर आप हमारी कंपनी को 1 से 10 में कितने स्टार दोगे? सर्विस के रिलेटेड जो आपने कभी कंप्लेन आई हो, कभी फोन किया हो उसके लिए, अभी आपको साल पूरा नहीं हुआ, आपको पूरा एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, मगर अभी तक का नहीं एक्सपीरियंस अभी फिलहाल ऐसा मशीन लेने के बाद नहीं हुआ, वो चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन कंपनी से जुड़ के हमें करीब 1 साल हो गया है। अच्छा ऐसा है। हाँ एक्चुअली मैं बाहर था उसी टाइम से आपसे कॉन्टेक्ट था मेरा लेने के रिलेटेड, और सारी प्रोसेस होते होते मेरा 1 साल निकल चुका है, तब से हमारा जो रिलेशन बना हुआ है उसके हिसाब से कंपनी को पूरा 10 में से 10 दे रहे हैं। क्या बात, बहुत शुक्रिया सर। मैंने आपको वीडियो से पहले कुछ सिखाया? कुछ भी नहीं। ऐसी कोई बात तो नहीं हमारी, क्या 10 दे देना आप या सर? नहीं नहीं चलो बहुत अच्छा, अल्लाह पाक आपको बरकत दे। तो ये जो था पूरा जेन्युइन रिव्यू मैंने आपको बताया, रियल ब्रेड छोटा मशीन कंपनी बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू लाती है, हम लोग कोई मिलावट वाला या कस्टमर को पहले समझा देना ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर, जो है वो साफ सुथरा कोई नहीं देख रहा, अल्लाह जरूर देख रहा है। मैंने इनको कुछ नहीं बताया, ये बात पक्की है, ठीक है। तो आप भी रियल ब्रेड से जुड़ करके अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों, अपना खुद का एक बिजनेस करके अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, अपना एक ब्रांड बना सकते हो, जैसे लोग आजकल सर को बाबा के नाम से जानने लगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, लोग बोलते हैं बाबा जीरा वाले भाई है, अमीन भाई कौन, तो बाबा जीरा, सही है। तो ये होता है, आपको ऐसा ऐसा ब्रांड मिलेगा। तो आप भी जुड़िए दोस्तों रियल ब्रेड छोटा मशीन कंपनी के साथ, और मशीन खरीदने के लिए घर बैठे फ्री सैंपल के लिए ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल ब्रेड, थैंक यू।